नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी आज 7 घटनाएं सामने आई हैं। सबसे पहले हम नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खेत में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाएं हुई घायल। गांव में शराब सट्टा जुआ बंद कराने के लिए महिलाओं ने निकाली जागरूकता रैली। बलरामपुर में 2 अज्ञात चोरों ने दुकान मालिक पर किया चाकू से हमला। रक्षाबंधन पर व्यापारियों ने सब्जियां बेचकर जताया अपना विरोध। रोजी रोटी के पड़े लाले। प्रशासन ने राशन सहित जरूरत का सामान कराया उपलब्ध। स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की लापरवाही आई सामने व शिव मंदिर में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। उत्साह में नजर आए शिव भक्त। चलिए अब आपको सभी खबरें बताते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत महो गांव के आश्रित गांव बेंगरी में खेतों में काम कर रही 2 महिलाओं पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे महिलाएं घायल हो गई। खेतों में आसपास काम कर रहे अन्य मजदूरों ने घटना की सूचना उनके घर जाकर दी। दोनों महिलाओं को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां चंद्रकला यादव व कलेंद्री यादव को तत्काल एडमिट कर प्राथमिक उपचार दिया गया। वहीं दोनों महिलाएं खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। कहा जाता है कि नारी शक्ति महान होती है। एक बार अगर वे कुछ ठान लेती है तो उसे पूरा करके ही दिखाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायगढ़ जिले के सारंगगढ़ अंतर आने वाले सिलियारी आश्रित ग्राम पंचायत रक्षा की, जहां की महिलाओं ने शराब सट्टा जुआ को बंद कराने के लिए गांव में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। महिलाओं ने बताया कि गांव में शराब सेवन बिक्री के साथ जुआ सट्टा भी चल रहा है, जिसके कारण से घर में परिवार में लड़ाई झगड़े के साथ साथ गाँव का माहौल भी खराब हो रहा है, जिसको लेकर आज सभी महिलाओं ने एक राय होकर शराब सट्टा जुआ के विरोध में रैली निकाली तथा यह निर्णय लिया कि कोई भी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ 5 से 10 हजार रुपए जुर्माना राशि भी देनी होगी। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच विश्वनाथ बसंत और थाना प्रभारी विजय पैंकरा को इस समस्या से अवगत कराते हुए उनसे सहयोग मांगा। दारू बंद कराना है गाँव में। हाँ? कोई दारू बेचना नहीं है गांव में, सट्टा भी खेलना नहीं है, ना किसी आदमी को खिलाना भी नहीं है। अच्छा। हाँ, और गांव में गाली गलौज करना नहीं है शराब पी के। अच्छा, तो एक शिकायत आप मन कहाँ कहाँ करे? एक शिकायत हम गांव से सरपंच करे हम कोसी थाना में भी करे हम। हाँ, थाना वाला का बोली साहब मन कि तू मन एकता रहा गाँव वाला मन। हाँ? हम ना पकड़बो हम तुम हमारा नंबर दे है फोन करे है कहिया कहा के है बलाहा फलाना का दारू है रखा के हम एक बार शिकायत करिया ओला हम नहीं पड़बो तुम एकता बस रहा कहे है। ठीक, हम सब एक साथ हैं। पैसा नहीं देते काके मार जा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत मदनपुर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात करने और मकान मालिक को चोटिल करने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि 2 अज्ञात चोरों ने बीती रात 1 बजे इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि हरिनारायण गोड, जिसकी उम्र 50 साल है, और उसकी पत्नी फुलकुवर दुकान में सो रहे थे, तभी 2 अज्ञात चोरों के द्वारा अचानक से दुकान में घुसकर उनके ऊपर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। हमले में दोनों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोरों के द्वारा दुकान के सामने वाले घर पर घटना से पहले ताला लगा दिया, जिसके बाद अज्ञात चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस को सूचना दे दी गई और पुलिस जांच में जुट गई। तो ये हाँ, मतलब जो रात में चोरी हुआ है, तो ये कैसे कैसे आखिर पूरा मामला क्या है? रात में 2 लोग शायद आए, उन लोग मम्मी पापा लोग सो रहे थे, सोते समय में जो भी कांड किया हम लोग तो देखे नहीं है। फिर उन लोग को मार पीट चाकू से काट पीट के चाकू से। तो कितने लोगों को मार किया गया? मम्मी पापा दोनों लोग। तो अभी वो लोग कहाँ हैं? वो अंबिकापुर। तो इसके बारे में पुलिस को सूचना दिया गया है? अभी तो हम लोग जा रहे हैं पुलिस चौकी। अच्छा, अभी आप लोग जा रहे हैं? हाँ, रात में फोन भी किया तो उन लोग नहीं आए। तो रात में कितना बजे घटना हुआ है? रात में 1 बजे, 12 के बीच में। 12 के बीच में। हाँ। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल के इस विकट परिस्थितियों में शासन प्रशासन तथा त्योहारी सीजन में भी व्यापारियों की अनदेखी से रुष्ट व्यापारी वर्ग ने आज जिला प्रशासन की हट धर्मिता के खिलाफ सब्जियां बेचकर अपना विरोध जताया। भिलाई चैंबर संयोजक अजय भीषण व प्रदेश उपाध्यक्ष गार्गी शंकर मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारियों ने आज सर्कुलर मार्केट में सब्जी बेचकर विरोध प्रदर्शन किया। अजय भसीन ने कड़े शब्दों में प्रशासन की व्यापारी वर्ग के प्रति अनदेखी पर अपना विरोध दर्ज किया।
उन्होंने बताया कि त्योहारी सीजन में सभी व्यापारियों ने एक बड़ी तैयारी की होती है। रक्षाबंधन के त्योहार तथा अन्य किसी ट्रेड को दुकान खोलने की अनुमति तो दी ही नहीं गई, ना ही राखी वालों को, ना ही मिठाई तथा दुकान वालों को दुकान खोलने की अनुमति दी जा रही है। आइए आज मिठाई चैम्बर की पूरी टीम एक पीड़ा के साथ रोड में बैठ के सब्जी का व्यवसाय कर रही है। शासन प्रशासन से हम लोग ने बहुत गुहार लगाई है कि हमें दुकान खोलने दी जाए, ऐसी इजाज़त दी जाए जिसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अपने व्यापार को भी सुचारू रूप से चला सकें, अपने वर्करों का पेमेंट कर सकें और अपनी त्यौहार के मौके पर घर गृहस्थी चला सकें। लेकिन विगत 5-6 दिनों से यही चलता रहा, कोई समाधान नहीं हुआ है। हमें रोड पर उतरना पड़ा, सब्जी बेचने के लिए विवश होना पड़ा है। हम अपने सब्जी व्यवसायी भाइयों के साथ मिलके यहाँ सब्जी का व्यवसाय कर रहे हैं ताकि हम इस त्यौहार के मौके पे अपना घर चला सकें, स्टाफ को कोई पेमेंट दे सकें। आप देख सकते हैं पूरा बाजार, बड़ी से बड़ी दुकानदार जो है आज रोड पे बैठ के सब्जी बेच रहा है, उनकी दुकानें बंद हैं। शासन प्रशासन ने हमारे हाथ बांध दिए हैं। इसी के विरोध स्वरूप हम लोग आज सब्जी का व्यवसाय कर रहे हैं और आम जनता को हम व्यापारी होने का अपना परिचय दे रहे हैं। नाम अजय भसीन, भिलाई चैम्बर संयोजक। बोलिए भैया, सभी मेंबर, सभी पदाधिकारी आज प्रतीकात्मक तौर पे सब्जी बेचते हुए जिला प्रशासन का विरोध, जिला प्रशासन के प्रति विरोध दर्ज करा रहे हैं कि लगातार ये लॉकडाउन की जो प्रक्रिया लगातार जो चल रही है उससे व्यापारी थक चुका है। आज सामान्य व्यापारी, एक मध्यम वर्ग की व्यापारी जो है अपने स्टाफ के खर्चों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, दुकान के किराए को नहीं निकाल पा रहा है, बिजली का खर्च है, अन्य सरकारी जो टैक्स लिए जाते हैं हम लोगों से उनको किसी खर्चे को वहन करने की स्थिति में नहीं और खुद का खर्चा चलाने की स्थिति में नहीं। इस भरे त्योहारी सीजन में जो पूरे त्यौहार का सीजन जो व्यापारियों के लिए साल भर जिस त्यौहार की व्यापारी उम्मीद करता है उस सीजन में लगातार हमारे सभी व्यापारियों की बात को जिला प्रशासन तक पहुंचाने के बावजूद भी जिला प्रशासन ने हमारी बात को अनसुना किया है और किसी भी ट्रेड को पूरे तरीके से समय सीमा में प्रॉपर तरीके से व्यापार करके अनुमति नहीं दी। जिला प्रशासन ने 6 से 10 का समय निश्चित किया है। एक सामान्य व्यापार, कच्चा व्यवसाय करने वाला जो आदमी है वो सुबह पहले अपने सामान को जाके माल खरीदता है बाजार से और फिर अपनी दुकान लगाता है, मतलब 7:30 बजे तो वो दुकान लगा पाता है अपनी, और 7:30-8 बजे दुकान लगा के वो 10 बजे तक आप व्यापार की अनुमति दे रहे हो, मतलब 2 घंटा सिर्फ व्यापार करें। और अन्य किसी भी ट्रेड को, मतलब राखी वाले पूरी तरह परेशान हैं, साल भर का स्टॉक लिया हुआ है उन लोगों का, मिठाई वाले कोई कारोबार नहीं कर पा रहे हैं, कपड़े वाले कोई कारोबार नहीं कर पा रहे हैं, हमने लगातार अनुमति दी कि इस त्यौहारी सीजन में 2 दिन की अनुमति आप सभी ट्रेड वालों को समय सीमा में सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए अनुमति प्रदान की, लेकिन जिला प्रशासन के कान में जू तक नहीं रहेगी। उसी का प्रतीकात्मक हम विरोध कर रहे हैं कि हमें कोरोना महामारी के साथ जीने की आदत पड़ चुकी है, पूरी दुनिया इस महामारी के साथ जीना सीख रही है, हमें भी इस महामारी के साथ जीने दीजिए। मतलब व्यापारी आर्थिक रूप से जिंदा रहेगा तो महामारी से बचेगा ना, आर्थिक रूप से ही मर रहा है, महामारी से मरने की जरूरत ही नहीं है। प्रशासन को ये प्रयास करना चाहिए कि इस महामारी के साथ लोग कैसे चल पाए, कैसे जी पाए, इसका प्रयास करना चाहिए। लॉकडाउन अगर लगाने से महामारी खत्म हो सकती है तो 1 महीने का लॉकडाउन लगा दीजिए, महामारी बंद कर दीजिए, व्यापारी तैयार है, लेकिन आप गारंटी ले लीजिए कि 1 महीने बाद बीमार पेशेंट नहीं निकले। आपकी जो तैयारी आपको करनी थी उस तैयारी को आप न करके व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, उसी का प्रतीकात्मक विरोध है। गार्गी शंकर मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स। रुक करते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना वैश्विक महामारी एक साथ कई संकट लेकर आया था, इसके चलते कई लोगों की रोजी रोटी तक छीन गई, लॉकडाउन के चलते कोई भी काम नहीं मिल रहा है, ऐसे में लोग अपने पेट भरने के लिए दूसरे के मोहताज होने पर मजबूर हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर के राजेंद्र पार्क के पास ऐसा ही एक मार्मिक नजारा देखने को मिला। उरला अटल निवास में रहकर जीवन यापन करने वाला अजय चौहान अपने 4 छोटे-छोटे बच्चों के साथ किसी की मदद की उम्मीद के लिए भटक रहा था। उसकी हालत पर नजर पड़ने पर एक जागरूक पत्रकार के माध्यम से जनसंपर्क विभाग को अवगत करवाया गया, जिसे जिला प्रशासन के अमल लाने पर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बेहद गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को उस तक तत्काल सभी आवश्यक सहायता पहुंचाने के निर्देशित किया। अब अगली खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से, जहां रघुनाथ नगर थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत गैना में दर्दनाक मामला सामने आया है।
आपको बता दें कि महिला के इलाज के लिए वाडफ नगर सिविल हॉस्पिटल में गए थे। महिला की हालत ज्यादा गंभीर होने की वजह से वाडफ नगर के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने अंबिकापुर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन्हें नहीं एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, ना ही किसी अन्य गाड़ी की व्यवस्था की गई। वही महिला के पति के द्वारा किसी से एक गाड़ी की व्यवस्था की गई जिसे लेकर अंबिकापुर जा रहे थे, लेकिन मोरन बोर्ड पर पुलिस बल के द्वारा उनको अंबिकापुर नहीं जाने दिया, उन्हें बॉर्डर से ही वापस कर दिया गया। जैसे ही महिला को लेकर वापस आ रहे थे, उसी समय महिला ने रघुनाथ नगर थाना से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर केनवारी में दम तोड़ दिया। जिस प्राइवेट गाड़ी से महिला को लेकर गए थे, वह महिला की मृत्यु होने के बाद महिला के शव को रोड में ही उतार कर चला गया। कितनी शर्मनाक घटना है ये। महिला का शव 1.5 घंटे तक रोड के किनारे पड़ा रहा। नाम भी बता। मेरा नाम विक्रम है। मतलब मेरी माँ को ले गए थे, वाडफ नगर ले जा रहे थे, वहाँ से मतलब दवाई हुआ नहीं हुआ वहाँ पे, फिर वहाँ बोले कि नहीं रिफर कर दिए, खून का 5 ग्राम के खून है। वहाँ से जा रहे थे, वो धोंगा में पुलिस वाले बोले कि नहीं जाने देंगे वहाँ। बीच में आके दिन से गलती है तो पुलिस वालों की पूरा गलती है। किस गाँव से? गैना से। किस ले जा रहे थे अंबिकापुर? दवाई कराने। क्या हुआ था? बुखार आ रहा था। वाड्रफ ने नहीं दिखाया हॉस्पिटल में? दिखाया था, तो वहाँ से रिफर कर दिया। रिफर किया तो वाड्रफ से गाड़ी दिए कि नहीं दिए? गाड़ी नहीं दिए, मैं अपना गाड़ी से जा रहा था। वाड्रफ हॉस्पिटल में क्या बोले? ले जाओ अंबिकापुर। तो गाड़ी के लिए क्या बोले आपको? गाड़ी के लिए का साधन अभी नहीं है। तो आप किस चीज़ से लेके जा रहे थे? मार्शल से। कहाँ से मार्शल लिए? मोखा से। प्राइवेट साधन लिए? हाँ। तो आप जब जा रहे थे तो क्या ऐसा दिक्कत है जो आप वापस हुए? दिक्कत ये आया कि जब मोरन में पुलिस वाला छेक दिए, मैं जाओ आपसी, नहीं जाने देंगे, इसलिए मैं आपसी हो गया। तो रेफर कागज नहीं दिखाया, सब कुछ। आप इनके पड़ोसी हैं? जी सर, उनका पड़ोसी हूँ और उन्हीं के वार्ड का ही साथ, वार्ड क्रमांक 7 का पंच भी हूँ। घटना क्या है, किस टाइप से बताएंगे? घटना सर, मेरे को मिली जानकारी 11 बजे लगभग, इनके यहाँ इनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसमें कि मैं एम्बुलेंस वालों के पास फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वो लोग आए, आने के बाद 12:15 बजे के आसपास आए, थोड़ा सा लेट कर दिए 10-5 मिनट के लिए। तैसे ही ये लोग अपना प्राइवेट गाड़ी लगा के फिर गए, और जाने के बाद उधर अपना ये लोग अपने सुरक्षित से गए वाडफ नगर के लिए, मैं भेजा और उधर जाने के बाद रिफ़र किए, तो भाई लोग गए वहाँ, फिर गाड़ी वाले जो एम्बुलेंस वाले जो आए थे वो मेरे पास साइन करा के वापस चले गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत पंडरी केनवारी में पहाड़ के ऊपर शिव मंदिर में अंतिम सोमवार को भारी मात्रा में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी। इस दौरान श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला, जिसमें युवा एकता विकास संगठन के सदस्य के द्वारा रात में 3 बजे ही शिव जी को जल चढ़ाकर शिव के प्रति उनकी आस्था देखने को मिली। वहीं भगवान शिव के जय घोष लगाए गए। इस अवसर पर कुलेश्वर कुशवाहा, परमेश्वर कुशवाहा, रोहित कुशवाहा, दीपक कुशवाहा, कामेश्वर कुशवाहा, मासाराम साहू, शंखलाल कुशवाहा, अखिलेश कुशवाहा, अन्य सदस्य शामिल रहे। बोलबम 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 आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश व प्रदेश की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिएगा समाचार एक्सप्रेस। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल, ज्योति गार्डन।
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.